सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपड़िया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक पैंथर 2 या फिर मैं बोलूँ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बारे में। सो कल मार्वल ने एक वीडियो रिलीज की थी जहां पर उन्होंने अपने फेज 4 में आने वाली सारी मूवीज को अनाउंस किया, बहुत सारे नए मूवीज को अनाउंस किया और कुछ मूवीज जो पहले से अनाउंस थी उनका टीजर रिलीज किया। इस वीडियो से पहले मैंने दी इटर्नल्स मूवी का टीजर ब्रेकडाउन करके रखा है और इस वीडियो में मैं ब्लैक पैंथर 2 मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद मैं कैप्टन मार्वल 2 के ऊपर भी अपने चैनल पे एक वीडियो डालूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। कैप्टन मार्वल 2 का भी नया लोगो और नया नाम सामने आ चुका है। कैप्टन मार्वल 2 का नया नाम दी मार्वल्स होने वाला है। इस मूवी के बारे में और बात मैं इसके ऊपर जब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब करूंगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक पैंथर 2 के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी क्या हो सकती है और कैसे ब्लैक पैंथर 2 अब आगे बढ़ेगा जब ब्लैक पैंथर 2 का मेन एक्टर ही अब मार्वल स्टूडियोज के पास नहीं है। तो अगर आपको ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। You know, they're developing, you know, a script that, you know, is a reflection of, you know, a lot of circumstances and, you know, and tragedy, you know, that we had to deal with this past year. And hopefully, you know, not even hopefully, I mean, I know Ryan and, you know, Marvel are going to do, you know, the absolute best job at, you know, developing a story in a way that, you know, makes everybody happy and satisfied and honors Chad. तो अभी जो आपने वीडियो देखा वो माइकल बी जॉर्डन का था, जहां पर माइकल बी जॉर्डन एक इंटरव्यू में ये बता रहे थे कि कैसे रायन कुगलर और मार्वल स्टूडियोज पूरी कोशिश कर रही है कि वो काफी रिस्पेक्टफुल रहे चैडविक बॉसमैन को लेके उनके आने वाली मूवी ब्लैक पैंथर 2 में। माइकल बी जॉर्डन के अलावा जिस एक्ट्रेस ने नोकिया करेक्टर प्ले किया था ब्लैक पैंथर मूवी में, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उन्होंने ये बताया है कि कैसे रायन कुगलर वापस से ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी लिख रहे हैं ताकि वो चैडविक बॉसमैन को रिस्पेक्टफुल तरीके से एक होमाज दे सके। सो इस इंटरव्यू में बेसिकली लुपिता ने ये कहा कि रायन कुगलर बहुत ही मेहनत से ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी को लिख रहे हैं और वो ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी को ऐसे रिसेप कर रहे हैं ताकि ये मूवी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो चैडविक बॉसमैन को लेकर। इसके अलावा जैसे कि इस मूवी का नाम सजेस्ट कर रहा है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, तो इस मूवी में हम टचाला के अलावा बहुत सारे वकांडा के हीरोज को फॉलो करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी के लिए किलमोंगर भी वापस आ रहा है। इसके अलावा हम डोरा मिलाजे के लोगों को, नोकिया को, इसके अलावा सूरी और उसके मदर को भी फॉलो करेंगे। वकांडा के बारे में इस मूवी में हम और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। अब बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी हो सकता है इस मूवी में इंट्रोड्यूस हो। सो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इस मूवी में हम नेमार को एज विलन देखने वाले हैं, पर अब ये कंफर्म नहीं है कि नेमार इस मूवी में हमें दिखेगा या नहीं। हो सकता है क्योंकि इस मूवी को रिसेप किया जा रहा है इसलिए नेमार को इस मूवी से काट दिया जाए। तो इस मूवी में मुझे लगता है कि ब्लैक पैंथर का मेंटल अल्टीमेटली सूरी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि केविन फाइगी ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो चैडविक बॉसमैन को रिकास्ट नहीं करने वाले हैं। तो अगर वो रिकास्ट नहीं करेंगे तो उन्हें इवेंचुअली ब्लैक पैंथर के मेंटल को किसी न किसी को तो आगे देना ही पड़ेगा ताकि आगे फ्यूचर में हमें ब्लैक पैंथर की और मूवीज दिख सके। तो सबसे ऑब्वियस चॉइस ब्लैक पैंथर को प्ले करने का सूरी ही है, जो कि टचाला की बहन है। आपको क्या लगता है ब्लैक पैंथर 2 में क्या हम एक नए ब्लैक पैंथर को देखेंगे और आपको क्या लगता है क्या चैडविक बॉसमैन को रिकास्ट करना चाहिए मार्वल में या फिर सूरी को ब्लैक पैंथर का मेंटल दे देना चाहिए, ये बात मुझे आप कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा इस वीडियो के बाद मैं कैप्टन मार्वल 2 पे एक वीडियो डालने वाला हूं और थॉर 4 पे वीडियो मेरे चैनल पे मोस्ट प्रोबेबली कल आएगी। तो अगर आपको इन मूवीज के ऊपर वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जब भी मैं इन मूवीज के ऊपर वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।